नमस्ते, मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं thelallantop.com। जम्मू कश्मीर के कठुआ में 8 साल की एक बच्ची के साथ कई दिनों तक गैंगरेप किया गया और फिर उसे मार दिया गया। पुलिस की चार्जशीट ऐसा कहती है, लेकिन कमाल की बात यह है कि हमारे मुल्क में इस घटना पर भी दो धड़े हैं। एक धड़ा जो उस बच्ची के लिए इंसाफ चाहता है और दूसरा धड़ा जिसे लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं। पर एक तीसरा धड़ा भी है, उस बच्ची के नाम पर सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वाला धड़ा। देश में कुछ भी हो जाए, ये ग्रुप हमेशा एक्टिव रहता है। कठुआ की इस बच्ची के नाम पर अब एक वीडियो वायरल किया जा रहा है जो उस बच्ची का है ही नहीं। इस वीडियो में एक छोटी बच्ची एक नज़्म पढ़ रही है जो कहती है कि सुना है कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली, मगर एक माँ की सदा सुन ना पाए तो लगता है कि गूंगी बहरी है दिल्ली। आप ये वीडियो देख लीजिए। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर से खामोश गहरी है दिल्ली, मगर एक माँ की सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है बहरी है दिल्ली। इस वीडियो को शेयर करने वालों का दावा है कि ये वीडियो उस बच्ची का है जिसके साथ गैंगरेप हुआ और इस वीडियो में वो दिल्ली की सत्ता को कोस रही है। अकेले YouTube पर इस वीडियो को एक दिन में 26 लाख से ज़्यादा बार देखा जा चुका है, लेकिन इसकी सच्चाई कुछ और है जो इमरान प्रतापगढ़ी ने शेयर की है। इमरान प्रतापगढ़ी ही वो शख्स हैं जिन्होंने असल में ये नज़्म लिखी है। वो बताते हैं कि करीब 9 महीने पहले किसी ने WhatsApp पर उन्हें ये वीडियो भेजा था, उन्हें अच्छा लगा तो उन्होंने Facebook पर डाल दिया। वो तारीख थी 18 जुलाई 2007, लेकिन अब कुछ लोग इसे कठुआ वाली बच्ची का वीडियो बताकर वायरल कर रहे हैं। इमरान के मुताबिक कुछ लोगों ने इस बच्ची को उनकी भांजी भी बताया, जबकि ये बात भी बिल्कुल गलत है। इमरान ने सही समय पर इस वीडियो की सच्चाई बताई जो हमने आप तक पहुंचाई। अगर आपने भी सोशल मीडिया पर यह वीडियो कहीं इसी मैसेज के साथ शेयर किया है तो प्लीज़ अपनी भूल सुधार लीजिएगा ताकि आगे कोई और शख्स गुमराह ना हो। ये थी इस वीडियो की सच्चाई। ऐसे ही तमाम सोशल मीडिया के वायरल अफवाहों की सच्चाई जानने के लिए आप बने रहिए दी लल्लन टॉप के साथ। हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल दी लल्लन टॉप सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।